वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोनों का भी सेम है। का दोनों का दोनों का सेम है बिल्कुल। आपका तो काफी छोटा है। नहीं नहीं नीचे हो नीचे। ये काम करती रहती है थोड़ी हमारे लड़ाई हुई आपस। अच्छा लड़ाई भी करते हो इसके साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ भी रहे हंस रहे मुस्कुराते रहे खुश रहे आबाद रहे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और 30,000 सब्सक्राइबर करें जल्दी जल्दी। 25,000 होने वाले हैं और 30,000 कर दें। आज का हमारा व्लॉग बहुत अच्छा होगा तो अपनी वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। और अभी जो है ना तकरीबन 5 बजे से ऊपर हो गया टाइम ऐसे ना। 5:20 हो गया। 20 मिनट हो गया। कैसे हो? ठीक। पीला सूट फिर पहन लिया है? ना, पीला सूट फिर पहन लिया। अच्छा और कोई तबीयत ऐसी है? ठीक। हमारे व्यूअर्स आपको मिस कर रहे थे, कहते कितना अर्सा हो गया गाना नहीं सुनाया। गाना सुना सो वीडियो बड़े सा गाना सुना सो। हाँ आज बनाएंगे वीडियो शाम को फिर। ठीक है ठीक। तो मेरे भाई ने ना टिकटॉक का अकाउंट बनाया है तो उस पर ना वीडियोज वगैरह डालते हैं। तो भाई को ना शौक है, कहते हैं मैंने टिकटॉक पे आईडी बना के दो। मैंने उस दिन बना के दी थी तो इनके 1,000 फॉलोवर्स भी हो गए और लाइक्स भी काफ़ी अच्छे आ गए, वीडियोज़ भी काफ़ी अच्छी चल रही हैं। तो भाई कह रहे थे कि शाम को फिर मेरी वीडियो बनाना, फिर मैं उसमें गाना गाऊँगा। तो उसमें गाना वगैरह खुद ही मतलब गाते हैं अपनी ओरिजिनल आवाज़ में तो बड़ी अच्छी वीडियो होती हैं। तो शायद किसी मेरे बहन भाई ने देखा हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना किसने टिकटॉक की आईडी देखी है। तो नदीम पेंडू के नाम से टिकटॉक की आईडी है भाई की, तो नदीम पेंडू रखा है ऊपर नाम ना। और अभी जो है ना शाम का टाइम है, आपको पता सारे काम शाम कर रहे हैं लेकिन गर्मी वैसे ही है। हम तो अभी कमरे से बाहर निकले हैं सब, और शाम का भी जो है ना इस टाइम मौसम जो है ना कुछ बेहतर होता है। इनका क्या करना है, बस खत्म हो गया, बिजरा है ना काम यहाँ से। अच्छा यहाँ से ये कम होते हैं, ये जो ऊपर फूल वाले ये देखिए जी कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे बाथरूम, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। कैसे समावे अच्छे लग रहे हैं ना। ये देखो पूरे कंप्लीट हो गया जी। ये देखिए अभी यहाँ पे शावर वाला सिस्टम बनना है और नीचे टूंटियाँ वगैरह यहाँ पे लगेंगी और कपड़े लटकाने के लिए यहाँ पे जगह और जो साबुन वगैरह रखते हैं वो वाली जगह यहाँ पर बनानी है। सारा कुछ यहाँ पर बना लेंगे और फिर इसमें यहाँ भी ये देखिए ये कमोड वगैरह यहाँ पे फिट करना है। तो बाकी सारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और इधर जो है ना हम बेसन लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह की, ये फूल वाली इस तरह की पट्टी जो है ना ये इधर लगेगी सारी, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। सोच रही हूँ यहाँ पे बेसन लगेगा ना इधर सामने, इधर शीशा भी लगाऊँ, एक शीशा भी लगा होना चाहिए यहाँ पे ना, तो यहाँ पर ये प्लस्तर हो जाएगा, ये पैप वगैरह छुप जाएगा। आप यहाँ से ना इकट्ठे करके ना ये कहीं रख दो या बेच देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उठाओ 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 कते कटे थो। अमन और मुजम्मल मिला सारा दिन ट्यूब वेल में नहा नहा के ना। अमन तो सोई हुई है, मुजम्मल तो सोया हुआ है, अमन उठ गई है। आदत उन्होंने बना ली है, अब रोजाना उनका यही काम होता है। सवा व्यस्त 2 बजे की सही है, अभी 5 बज गए अभी उठी है ये। मैं आपको क्या बताऊँ, आप भी सब कुछ ऐसे सीन है जैसे मतलब कि दिन को इतनी नींद आती है ना, पता नहीं क्या मसला है, गर्मी होती है ना नींद आ जाती है। अच्छा लग रहे हैं। अब सफाई भी रखनी है इसकी, ठीक है ना। हाँ ये नहीं है कि ऐसे फिर करते रहना, फिर एक महीने में इसका बुरा हाल हो जाए बाथरूम का। कैसे अभी नक दो का, अभी आपका कोका चमक रहा है। करो ले भांसो। ये क्या कर रहा है? ये जान रख के दे ना, पानी पिलाना है। हमेशा जान रख के दे पानी पिलाता है मुझे। अच्छा ये ना देखो धूप देखो, गर्मी इतनी है ना, ये अभी तक सो रहा है। मुजम्मिल उठ जाओ, शाम हो गई है, बात पता है आपको, दूध पी लिया है आपने, उठ जाओ। क्या खेल रहे हो? छम छम खेल रहे हो? छम 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 सा पता तो नहीं है, एक पता नहीं है। मैं बाल पीछे कर दो, गर्मी लग रही है आपको। का बच्चा है, एक पता नीचे नहीं होता, एक पता छोटा, एक पता नीचे है। का बच्चा है, उठो नवाब, उठो 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 उठो। काटन का सूट लगा के मैं सोया हुआ है। बिस्कुट बिस्कुट बड़े खराब, हमने मच्छी मच्छी में खा रहा हूं जान मार जान। ये क्या, ये हम बचपन में हम कहते थे ये वाला, पहले हम ये भी कहते थे, अब नहीं कहते, अब बड़े हो गए ना, सिर में बड़ी होने से अब नहीं कहते। उठो मुझे मैं, उठो उठो शाबाश उठो, रात को फिर आप नहीं सोओगे।
भी मैं जा रही हूँ जी अपनी खाला के घर, तो नानिया मैं कहा ले थी, पेशेंट मुझे कहते हैं कि सोनिया आप मुझसे मिलने के लिए नहीं आती, तो बच्चे भी आके मुझसे मिल गए हैं तो आप आती नहीं हो, तो इसलिए मैं जा रही हूँ नानिया मैं से मिलूंगी। और खाला भी कह रही थी काफ़ी दिनों के हमारे पास आई नहीं हो। मैंने कहा चलो और तो कोई रिश्ता बचा नहीं है, चलो एक खाला का घर बचा हुआ है तो उसके घर तो जाना चाहिए ना, तो इसलिए आज मैं जा रही हूँ वहीं पर, तो उनके साथ वीडियो भी बनाऊँगी, अपनी वीडियो को देखना है मुकम्मल। अभी मैं हम जा रहे हैं यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हो गए हैं आम खाया था। हाँ मुकम्मल कहाँ जा रहे हो? राम जी पढ़ने जा रहे हो? जाओ फिर जल्दी, अहमद जो कुछ करके आ रही है, जाओ जाओ जा रही है, जाओ भागो अपना सपना उठाए, तभी उठाया तो पढ़ने गिर जा रहा है। शाम होने वाली है और गर्मी जो है ना जाने का नाम ही नहीं ले रही, देखो धूप देखो। शहजाद भाई की बीवी के साथ भी वीडियो बनाई है क्योंकि वो अब वीडियो में आती है ना, तो इंशाल्लाह उनके साथ भी उनकी मुलाकातें भी अपनी वीडियो में आज मैं कराऊंगी, तो अपने देखना है वीडियो को। गर्मी है रुकने का नाम नहीं ले रही, गर्मी कम हो जाए फिर जाएंगे, लेकिन गर्मी रुकी नहीं रही तो शाम हो जाएगी ऐसे गर्मी को देखते देखते ना, तो घर वापस फिर आना है। तो अभी जी मैं खाला के घर पहुंच गई हूँ फाइनली, और मेरी नानी अम्मा भी अंदर हैं और खाला भी अंदर है, तो अभी जाते हैं उनसे मिलते हैं, अंदर चलते हैं। और किरण से भी आज अपनी खाला की बहू से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। यहाँ इस इलाके में आने का दिल नहीं करता, इस इलाके से मुझे नफरत हो गई है, लेकिन यहाँ मेरी खाला का घर है, नानी रहती है, तो इधर इस घर को तो हम नहीं छोड़ सकते ना, बाकी हम किसी घर में नहीं जा सकते यहाँ पे, लेकिन इस घर को हम कभी भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये मेरी खाला का घर है और मेरी एक ही खाला है, तो उनको तो हम नहीं छोड़ सकते ना। तो अभी अंदर चलते हैं और सबसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ना कोई भी नहीं है अभी, इधर भी नहीं है, बेडरूम में भी नहीं है, इधर होगी खाला, किचन में भी नजर नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? तबीयत से ठीक है? नानी अम्मा कैसी है? पता नहीं मैं ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। अच्छा और ठीक ठाक हो? सफाई खुद करते हो? वालेकुम सलाम। आज मैंने आपकी बीवी को भी दिखाना है वीडियो में, आज मेरी वीडियो में भी आएंगी। आपने दिखाया था एक बार, कब दिखाया है? ये बड़े 420 है, ये नहीं मुझे कहा है कि आपने वीडियो में दिखा दो, चलो हमारा माना बन जाएगा, हम वीडियो में दिखा देंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं अपने बदनाम नहीं किया करूं भाई। नहीं पहले जब आप आए थे, अभी नहीं, जब पहले जब आपने वीडियो बनाई थी उस वक्त हमने नहीं दिखाया। नहीं मैंने भी वीडियो एक बार आपको वीडियो गई थी, आपने वीडियो डिलीट की थी। हाँ वो तो गलती से लगी, इतना वो तो गलती से लगी, मैंने जान पूछ के तो नहीं किया था गलती से, वो तो मैंने फौरन से एक वो तो मतलब 1000 भी नहीं गई थी, 500-600 लोगों ने देखा था। तो आप मुझे एक बात बताओ, वैसे ये सोचने वाले वैसे पता नहीं था कि आना है। नहीं वैसे पूरा यकीन था कि शहजाद भाई की बीवी जो है वो जरूर आएगी वीडियो में, लेकिन जब आने का तो शुरू में जब शादी की तब वीडियो बनाते, वीडियो भी अच्छी बनती, जो हमें जीने देती जब हम शादी कर रहे थे, हमें उन्होंने होश नहीं दिया, वीडियो बनाते बनाते दुल्हन को कितना परेशान करते। हाँ सही कह रहे हैं, हमसे पहले वीडियो अपलोड कर, हमसे पहले वीडियो अपलोड कर देते, एक दिन बाद हम वीडियो अपलोड करते थे। हाँ वैसे ये है हमारी जो फैमिली है ना वो बड़ी खतरनाक है, सारे सारे रिश्तेदार जीने नहीं देते किसी को भी। हमने सोचा कि हम तो चलो वीडियो बना रहे हैं शहजाद और मैं, हम तो जितने परेशान बहुत ज्यादा थे, इतना शादी का ये परेशान थी, जितनी वीडियो बनाने में परेशान होती थी, तो किरण तो आराम से बैठी रही ना, तो हर कोई इनके साथ आ जाता, इनको कहता है। ये सही किया है एक तरफ से, सही किया है एक तरफ से, ये भी है कि
वो सख्त बनाते ना फिर ज्यादा अच्छे व्लॉग बनते लेकिन फिर मजबूरी अभी, हम सारे वीडियो हाँ, अभी तो वीडियो वगैरह सारे मैंने देखी है सारी वीडियो तो वीडियो वगैरह मैंने सारी दिखाई है लेकिन ये है कि अब आपको पता है हमारे जो रिश्तेदार है ना वो किसी को भी सुकून से भी नहीं देते ठीक है ना कोई इनके साथ हमारे साथ सेम सिचुएशन है तो किरण से भी मुलाकात कराते हैं जी इनका नाम किरण है वैसे नाम तो पहले हमने बताया है ऐसे ना मेरे सामने खड़े हैं अच्छा मेरी इनसे दोस्ती भी अब अच्छी खासी हो गई है पहले मतलब हमारा गांव पे आना जाना नहीं होता था जहाँ ये रहती थी तो जब से शहजाद भी किधर बीवी बन गई ना मेरी खाला की बहू तो तब से ना ये हमारे घर भी काफ़ी दफा आई है तो उस वक्त ये वीडियो बनी आती थी तो हम भी इधर आए हैं काफ़ी दफा लेकिन मैं खाला के साथ वीडियो बनाती थी और चली जाती थी इनके साथ नहीं बनाती थी वैसे तो इनसे मिलते थे हम इतने बड़े तो नहीं है आप छोटे हैं ऐसे चार दिन छोटे हैं सेम एज है मतलब के चार दिन ना मैं इनसे बड़ी हूँ अभी खाला से पहले पूछते हैं कि इनकी बहू को मैं दिखाऊं या ना दिखाऊं बता दें पूछने वाली कौन सी बात है सारे लोग वीडियो बना बना कर जा रहे हैं नहीं मैं पूछ के बनाऊंगी फिर कहेंगे सोना ने दिखा दिया तो ये पिछली वीडियो डिलीट कर दें मेरे ऊपर नाम आ जाएगा सोना ने वीडियो डिलीट की सोना से कभी डिलीट करे बंदा ने देख लिया आप डिलीट करने का अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल का दोनों दोनों का सेम है बिल्कुल आपका तो काफी छोटा है नहीं नहीं नीचे हो नीचे अच्छा एक और बात बताऊं खाला ने एक बात बताई है कि जब इनकी शादी हुई ना तो शहजाद भी ने ना किरण को ना हील वाली जूती पहनने से ना मना किया कि हील वाला जूता नहीं पहना कि आपके कद जो ना बड़ा हो जाएगा और कैसी हो ठीक हो तो फिर से ठीक है कैसी गुजर रही है वीडियो यूट्यूब में आके कैसा लगा ये बताएं अभी तो जो है ना अच्छा लग रहा है अच्छा अभी ज्यादा तो, बोल अभी ज्यादा बोल नहीं सकते कैमरे के सामने हां ऐसी बात है थोड़ा बोला करो मेरी तरह ज्यादा ना बोलना फिर लोग कहते हैं कि ये सही नहीं है हालांकि जो तेज बोलते हैं ना उनके अंदर कुछ नहीं होता ये बात मैं आपको पहले बता दूं तेज बोलती हूं हां सर मैं जब कैमरे आके देखती हूं तो मुझसे कुछ भी नहीं बोला जाता बस ऐसे देर करता खामोश होकर बातें सुनती रहती बोलो कुछ चलो आज फिर आप मेरी बातें सुनेंगी आपके की जो से जाओ घर वापस माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी हैं इनकी बहू जो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी भी तारीफ की जाना कम है मैं वैसे पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उधर से लेकर आई है मतलब अपने रिश्तेदारों करीब रिश्तेदारों से नहीं रिश्ता लिया अच्छा किया है और ये थोड़ा सा दूर है रिश्तेदार तो ये है कि मैं आपको एक बात यहाँ पे पहले मैं बता दूँ कि माशाल्लाह बहुत अच्छे मिजाज की है और इखलाक भी बहुत अच्छा है बहुत कम गो है और बहुत ही अच्छी इखलाक है और दूसरा ये कि बहुत ही नाइस है और मेरी नानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं इस वजह से ना मुझे बहुत अच्छी लगती है ये तो माशाल्लाह हालांकि ये इनका मतलब इतना करीबी अब रिश्ता भी नहीं था दूर की रिश्तेदार थी लेकिन फिर भी इन्होंने ना काफ़ी अच्छे तरीके से ना मेरी नानी माँ का भी ख्याल रखा है और मेरी खाला का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है वैसे आपकी खाला अपना आप ख्याल रख सकती है नहीं वैसे आप जरूरत आपको पड़ेगी ये ना कहो कि बाद में अभी इनको मेरी जरूरत है हाँ अभी जरूरत है ये है अभी अभी आपकी खाला है ना अभी आपकी खाला बहुत इतनी बड़ी नहीं है अभी मैं ना इनको काम ज्यादा नहीं करने देती मैं खुद कोशिश करती हूँ कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम खुद करूँ नहीं वैसे आप करने जो है ना ये बहुत अहम है इनके लिए जी अल्लाह ताला इतनी बड़ी हमें खुशी दे रहे हैं हम बहुत ज्यादा खुश हैं अगर ये चार पर बैठ के नीचे भी ना उतरे ना तो हमें कोई इतराज नहीं है मुझे तो नहीं लगता आपसे लड़ाई करते होंगे वो बोलता नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं बोलती लड़ाई कैसे होगी बाहर इसको देखा करो देख लो सोनिया वैसे मैंने कभी भी इनकी आवाज नहीं सुनी कर रहे हैं नहीं जब लड़ाई होती होगी ना ये कानों में लड़ाई करते होंगे बात तो आवाज कमरे से बाहर आती नहीं अच्छी बात है कमरे से बाहर वैसी आवाज नहीं आनी चाहिए जैसे मेरी आवाज बाहर घर से बाहर तक जाती है ऐसे नहीं वैसे मैं अपनी बुराई आज खुद ही कर रही हूँ सबके सामने ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह सारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह एक हमारी एक खाला का घर तो बचा हुआ है और तो कोई है नहीं हमारे साथ तो इनके साथ हमने हंसी मजाक करना और किसके साथ करें तो अभी फटाफट से चाय वगैरह चाय बनाओ चाय की हम फरमाइश शुरू से कर देते वीडियो में कर देते हैं नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना बाहर खाना खाने के लिए नहीं मुझे ना खाना उधार हो गया खाला ने मैसेज किया कॉल भी की आज ना पिज्जा खाने के चलते हैं तो मैंने कहा कि नहीं आज तो मतलब लेट हो रहे हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आएंगे तो फिर बच्चों को भी ले जाएंगे सबको तो फिर इंशाल्लाह बड़ी गाड़ी आ जाएंगे ये ना बड़ी गाड़ी के चक्कर में आपको पता है अच्छा जी उधार का सिस्टम है ना अच्छा नहीं है वैसे ये उधार का सिस्टम अच्छा नहीं है ना वो अच्छी नहीं लगती वो कहते कि नई चीज आनी चाहिए अब हाँ ऐसे ही है चाय वगैरह बनाते हैं चाय बनाती है ठीक है फिर जाना ठीक है चाय नहीं पानी पिलाओ मैं थक गई हूँ पानी दे अभी जी हम चाय पी रहे हैं और अबू जान भी चाय पी रहे हैं
तो मैंने तो कहा कि मेरा आज मुझे पिज्जा का बहुत दिल है, मैं कल से कह रही हूँ रात को भी किरण से पिज्जा खाने जाते हैं, लेकिन ये मान भी नहीं रहे, अगर इनका दिल होता ना तो फौरन चले जाते। इतनी गर्मी है क्या करें, गर्मी है ना, जा रहा ना कल कार आ जाएगी फिर जाएंगे, कार भी पुरानी या नई कोई ना न्यू कार आ जाएगी फिर जाएंगे, न्यू या पुरानी कल कोई ना कोई आ जाएगी। ऐसी कि 4 रुपए डाल दिए इन्होंने क्योंकि शाम होने वाली है और बहुत अच्छी लग रही है 4 रुपए ना, 4 रुपए कल धुलाई की है अच्छी लग रही है, निकले बिस्तरे भी निकालते हैं। अच्छा वो ना नाना बुको बुला लेते, मैंने मिलना था नाना से। नाना बुको कौन बुलाए, मैं बुलाऊं, सिदात वहां जाता ले आते ना, मैं चलो मिलकर चली जाती हूँ। अगले दिन शहजाद को गाड़ी पे लेके आए हैं, आज गाड़ी खड़ी नहीं है तो मोटरसाइकिल पे वो नहीं आ सकते। गाड़ी कहाँ चली गई है? वो बढ़ने के लिए गई है उधर वर्कशॉप में है। अच्छा तो अगली दफा जब आना तो शहजाद से पहले कह देंगे वो ले आएगा। अच्छा मैं अगली दफा ले आना फिर मिल के जाऊंगी नाना से, ठीक है। असल में उधर है ना तो उधर हम जाते नहीं, आपको पता है, तो नाना अब उधर रहते हैं, मेरी नानी जो ना मेरी खाला के घर रहती है, नानी से तो वैसे मैंने मिल लिया है, तो काफी अरसा हो गया मैं नहीं मिली और बहुत ज्यादा याद भी आ रही है, तो इधर ले आएंगे, ले आना लाजमी, ठीक है ना, ले आएगा जब आपको बुला लेंगे फिर। हाँ मुझे बुला लेना फिर मैं आके ना मिल लूंगी, क्योंकि फिर गाड़ी आ जाए ना, गाड़ी भी नहीं है, मुझे पता नहीं था, मैंने समझा कि गाड़ी होगी, ले आएंगे नाना से, मैं नाना से मिल लूंगी, नाना अब से टाइम इंशाल्लाह मिलेंगी उनसे, तो ना फिर ना ले आना, मैं मिलूंगी, ठीक है, जब गाड़ी आएगी मुझे बुला लेना उस वक्त, ठीक है, थोड़े से बेहतर हो जाना वो आ जाते हैं, उसकी असल में तबीयत खराब है नाना बुके, इसलिए नहीं आ सकते, वरना तो वो पैदल भी आ जाते थे यहाँ पे ना, तो आप वो इतना ज़्यादा इतना सफ़र करके चल फिर नहीं सकते, नज़दीक नज़दीक तो चल रहते हैं लेकिन दूर इतना सफ़र करके आपको पता नहीं आ सकते। और नानी से मैंने मिल लिया है, अभी जी मैं घर पहुंच गई हूँ, वापस आ गई हूँ और शाम हो गई है माशाल्लाह, इस टाइम ना मौसम अच्छा हो जाता है, कुछ हालात जो है ना वो बेहतर हो जाता है। खाना वगैरह बना लिया मैं, क्या बनाया आज? दाल, दाल बनाई है। कहाँ जा रहे हो आप दोनों? अभी आएंगे, आप आपके लिए क्या लेकर आए? चाय, चाय, चीज, क्या की दवा है? चॉकलेट, चॉकलेट, चॉकलेट लेकर आनी है अमन के लिए, ठीक है? गोडिया ले खाखन मेरे, गोडिया ले भी। आप सब बहन भाई को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मिलेंगे, अल्लाह।